हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल निहाशिश तिवारी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सब पूरा बॉक्सेस वगैरह एक साथ खोल के बैठी हूँ अभी मैं, और बहुत लोग कमेंट करते हैं दीदी आपका नंबर दिख रहा है, तो ये इस पर नंबर नहीं है, सॉरी यहाँ ये नंबर नहीं है, ये डेट लिखी हुई है। नंबर थोड़ी ना मैं ऐसे शो करूँगी, वैसे तो इतनी परेशान हूँ, नंबर शो कर दूँगी तो मेरा तो हो गया। तो ये सब सेट करेंगे क्योंकि आशीष जी का बर्थडे आ रहा है, सभी लोग आएंगे घर पर, तो थोड़ा ठीक ठाक सा दिखना चाहिए। जो हम कर्टेन का लेकर आए हैं वो मैं यहाँ के लिए लेकर आई हूँ, वो कलर इसलिए क्योंकि ये वॉल इस कलर की है, इसलिए मैं वो वाला कलर लेकर आई हूँ। तो देखते हैं कैसा क्या सेट होता है, कहाँ पर मुझे तस्वीरें लगानी है। यहाँ पर तो मुझे मेरी और आशीष जी की लगवानी बड़ी करवानी है अभी, दी नहीं बनने के लिए। और एक यहाँ बेड के पीछे यहाँ पर लगाऊंगी, जो हमारी पहले की तस्वीरें हैं बनी हुई हैं, अभी सचिन भैया ने भी दी हैं अभी, तो वो मैं यहाँ पर सोच रही हूँ, एक यहाँ या फिर एक, ये देखना पड़ेगा, पूरा सेट करने के बाद में देखना पड़ेगा कैसे क्या होता है। मैं इसमें ऐसा सामान रखूँगी ना जिसको मुझे बार बार खोल के निकालना ना पड़े, और जो यूज़ का नहीं है वो मैं सोच रही हूँ कि गरीबों को दे दूँ, क्योंकि अननेसेसरी रखने से कोई मतलब नहीं है, किसी के यूज़ ही आ जाएगा कम से कम। टॉयज़ जो हैं वो मैं ऊपर सजा कर थोड़ा सा रखूँगी, ताशी खेलती नहीं है किसी भी टॉय से, अभी नहीं खेलती है। यहाँ पर मैं ऐसे कपड़े रखूँगी जो मुझे निकालने ना पड़े, जो मैं ज़्यादा नहीं पहनती हूँ और किसी को दे भी नहीं सकती हूँ। सारे हमारे जो कपड़े होते हैं वो हम किसी को दे नहीं सकते हैं ना। ये वाइट साड़ी जिस पर इतना बवाल हुआ था, किसी को पसंद नहीं आई थी। ये चुनरी मेरी फेवरेट है, मुझे चुनरी बहुत पसंद है ना। ये मिशू यहाँ पर छोड़ गई है, तो अब जब भी हम इंदौर जाएंगे तो लेकर जाएंगे। ये मेरे वो वाले आउटफिट हैं जो अब मैं जल्दी तो नहीं पहनने वाली हूँ, क्योंकि हैवी भी हैं और इतनी जल्दी पहनने में नहीं आएंगे। अब इतनी स्पेस है अभी, तो और सामान आ जाएगा अभी इसके अंदर। ये मैं दे दूंगी अब किसी को जल्दी। ये वो सामान है, बच्चों के कपड़े मुझे देने हैं, ताशी के जो रखे हुए हैं, किसी के ये भी सामान। स्टार्ट होने से पहले, क्योंकि हमारी फेवरेट टीम का मैच है आज, तो और स्नैक्स तो चाहिए होते हैं उसके साथ में। बच्चों वाला घर है, ताशी रहती है तो अभी है नहीं, मैं ऑर्डर कर देती हूँ उसके लिए भी और मेरे लिए भी। अब मैं ऑर्डर करूँगी स्विगी इंस्टामार्ट से, जो कि स्विगी ऐप में ही अवेलेबल है, कुछ मिनटों में डिलीवरी यहाँ पर आ जाएगी। मैंने अपने ऑर्डर को प्लेस कर दिया, आ चुकी है हमारी डिलीवरी बहुत जल्दी। मैंने आपसे कहा था ना कि कुछ ही मिनटों में आ जाएगा। अगर आप पहली बार ऑर्डर कर रहे हैं तो ये कूपन कोड यूज करने पर, जो कि है IMNEXT, आपको फर्स्ट ऑर्डर पर 100 रुपीज का ऑफ मिलेगा, और पहले 5 ऑर्डर पर आपको मिलेगी फ्री डिलीवरी। तो फिर देर किस बात की, आज ही ऑर्डर करिए। डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक मेंशन कर रही हूँ। चाय बनाऊंगी मैं, थोड़ा सा भी हेडेक होता है ना तो चाय पीती हूँ। पहले मैं कॉफ़ी पीती थी, पर माइग्रेन जब से दिखाया इंदौर में, उन्होंने कॉफ़ी, चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक सब बंद कर दिया है। ये प्याज वगैरह कटे रखे हैं, अब यहाँ पर खाना बनेगा। अभी पापा मेरे सब्जी काट रहे हैं, उनका फेवरेट काम है पापा की सब्जी काटना। ये मेरी हार्ट शेप वाली जो कुशन है, इसमें मैंने दोनों फैमिलीज़ की फ़ोटो लगाई थी, तब शुभा की शादी नहीं हुई थी, मतलब हमारी फैमिली मेम्बर नहीं थी तब वो, नहीं तो उसकी भी फ़ोटो यहाँ पर होती। ये मैं, ताशी, आशीष जी, ये फ़ोटो एडिट की हुई है, जिन्होंने भेजी थी ना उनको तो मैं जितना थैंक यू बोलूँ उतना कम है। मेरी और ताशी की फ़ोटो थी, ये ताशी के बर्थडे की, उसमें आशीष जी को ऐसे उन्होंने बैठाया हुआ जैसे लग रहा है कि साथ में ही है। नहीं बेटा, एडिटिंग है वो। कौन है? पानी में डूब गए थे क्या? नहीं डूबे बेटा, ये कहाँ से निकाला? ये आप जब नहीं थे ना हाँ, तब की फोटो है, तब छोटे बेबी को उठाया था मामा ने। पानी में डूब गई थी। नहीं आप नहीं समझोगे, आपको सीडी दिखाएंगे ना तब सब समझोगे। और ये कौन है? नानू नानी और ये तीनों मामा है ना। नानी क्या कर
रही है ये झाड़ जोड़ के। भगवान जी को प्रणाम कर रही है। डाना मैं डाना। अब इसमें देखो इसमें ये क्या है? उसमें कुछ नहीं है। इसको खोल के देखो। नहीं, वो उसको अच्छे से पूरा सब ठीक करवाना पड़ेगा। आप इसको बताओ, आप इसको बताओ, ये पानी में डूब गया था कि ऐसे उठाया था? नहीं, पानी में नहीं डूबा था ताशी। ये छोटा बेबी पान फिर कैसे निकाला मामा ने? मामा ने? अरे वो एडिटिंग है, वो पानी नहीं था, वो मामा ऐसे ही खड़े हुए थे, पानी थोड़ी उसमें। अच्छा, फिर बाहर निकल रहे थे? अच्छे से डूबे तो नहीं? नहीं बाबा, पक्का 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 पक्का। और ये सीडी जो ताशी के हाथ में आई और मैंने ले ली, ये है मेरी रिसेप्शन की डीवीडी, जिसमें मैंने बिल्कुल भी मेकअप नहीं किया हुआ है क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। और यहाँ शादी के टाइम पर जो मेरा लहंगा था, जो मेरा मेकअप था, वो आज भी लोग याद करते हैं, इतना खूबसूरत था वो। इतने टाइम पर मैंने मना कर दिया था कि मैं खुद से तैयार होंगी, मेकअप करना मुझे आता ही नहीं था, तो काजल नहीं लगाया, लाइनर नहीं लगाया, आई शेडो नहीं लगाया, मेरे मेकअप बॉक्स में मैंने सारा सामान ये सब रखा भी नहीं था, मुझे आता ही नहीं था लगाने के लिए। मेकअप नहीं करती थी मैं, बिल्कुल भी नहीं करती थी, सिर्फ थ्रेडिंग बनवाती थी और पार्लर में और कोई काम भी मैं नहीं करती थी। शादी के टाइम फर्स्ट टाइम ही मैंने फेशियल करवाया था, फर्स्ट टाइम फेशियल करवाया था मैंने अपने टाइम, गोल्ड फेशियल। तो ये शादी में रेड कलर का लहंगा था और रिसेप्शन में मेहरून, डार्क डार्क, एकदम डार्क मेहरून। मूछ रखी हुई थी रिसेप्शन में मैंने, फिर मुझे पसंद नहीं आई तो मैंने कट करवा दी थी। ये मैं चाहती हूँ कि ये मेमोरी के तौर पर, मतलब मैं खुद चाहती हूँ कि मेमोरी हमारे पास रहे। ये डीवीडी है, अगर पेन ड्राइव होती तो मैं कभी भी देख सकती थी, पर इसको मैं करवाऊँगी पेन ड्राइव में। और इसका वीडियो ना मैं बनाकर प्राइवेट में अपलोड करूँगी ताकि हमेशा के लिए मेरे चैनल पर रह जाए, मैं देख सकूँ, सिर्फ मैं देख सकूँ, किसी और को नहीं दिखाऊँगी। पर ये जो यादें हैं वो मैं कभी भी, क्योंकि मोबाइल हमेशा हमारे हाथ में होता है ना, तो मुझे इसको देखना ढूंढना नहीं पड़ेगा, वो हमेशा मेरे पास रह जाएगा, इसलिए मैं इसको जल्दी ही बनवाऊँगी, जैसे तैसे तो मेरे हाथ आई यही है। मेरे शादी का एल्बम भी रखा हुआ है, बाकी जो फोटोज़ हैं वो जबलपुर में हैं क्योंकि वहाँ से कोई भी सामान मैं लेकर नहीं आई हूँ, तो मेरा बहुत सारा सामान, मेरी बहुत सारी यादें जो हैं वो वहीं पर रखी हुई हैं। आशीष जी के दिए हुए तोहफे, बहुत मिस करती हूँ उन सब चीज़ों को मैं, वो सब वहीं पर रखा हुआ है। मन करता है कि वहाँ की जो एक एक चीज़ है ना, जो मेरी और उनकी है, वो मैं अपने पास रखूँ, बहुत मन करता है। हमारी तस्वीरें हैं, हर साल सालगिरह पर हम तस्वीरें बनवाते थे, वो वहाँ पर रखी हुई हैं, वो होती तो मैं सारे साल की यहाँ पर लगाती, ये जो वॉल है ना यहाँ पर लगाती, पहली दूसरी ऐसे करके, और आप लोगों को भी दिखाती कि क्या क्या चेंजेस थे। मैं चाहती हूँ ये सब करूँ पर मेरे पास है नहीं सारी चीज़ें, तो जितनी भी हैं उनको भी मैं नहीं खोना चाहती हूँ, बस जो है वो तो कम से कम मेरे पास रहे ना वो सारी। ये होता है रात में, बहुत ज़्यादा शोर होता है यही रात भर, कभी कभी तो 2-3 बज जाते हैं ऐसे। मेरी बातें कभी ख़त्म नहीं होंगी, अगर ये टॉपिक निकल गया ना तो बातें कभी ख़त्म नहीं होंगी, मेरा मन भी नहीं करता कि मैं इस टॉपिक को बंद करूं, लेकिन इस ब्लॉग को ही एंड करते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा ये सारी बातें आप लोगों से करके और खुद भी करके, मतलब मुझे ये बातें करके बहुत अच्छा लगा। तो मिलते हैं आपसे जल्दी ही अपने नेक्स्ट ब्लॉग में।